जिलाधिकारी मनीष बंसल ने चंदौसी के मोहल्ला हनुमानगढ़ी एवं बदायूं चुंगी मार्ग पर जलभराव की समस्या को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने हनुमानगढ़ी चंदौसी का स्थलीय निरीक्षण करते हुए अवैध प्लॉटिंग को लेकर नाराजगी व्यक्त की एवं विनिमित क्षेत्र के जेई दीवान सिंह का स्पष्टीकरण जारी करते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि विनिमित क्षेत्र के मानक के अनुसार एवं बिना नक्शा पास कराए जो भी निर्माण किए गए हैं उनका एक सप्ताह में ध्वस्तीकरण कराते हुए रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें। नगर पालिका निर्माण कार्य जेई के अग्रवाल के कार्यों को लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की एवं स्पष्टीकरण जारी करते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने साफ सफाई की व्यवस्था को भी देखा एवं असंतोषजनक साफ सफाई पाए जाने पर जिलाधिकारी ने सफाई निरीक्षक प्रियंका सिंह का स्पष्टीकरण जारी करते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि नगर में अच्छे स्तर से साफ सफाई की जाए एवं नगर में कहीं भी जल भराव की स्थिति न रहे यह भी सुनिश्चित किया जाए। इसके उपरांत बदायूं चुंगी मार्ग का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान जल भराव की स्थिति को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, आज यहाँ पे चंदौसी शहर में हनुमानगढ़ी क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है। पिछले काफी लंबे समय से यहाँ पर जल भराव की काफी शिकायतें प्राप्त हो रही थी, उसी क्रम में आज यहाँ पे फील्ड भ्रमण किया गया। यह देखने में आया है कि ये पूरे एरिया में नए प्लॉटिंग हो रही है और नए लोग जो हैं वो अपने मकान बना रहे हैं, लेकिन किसी के द्वारा भी नक्शा पास नहीं कराया जा रहा है। इसके कारण ना सिर्फ यहाँ पर नाली की व्यवस्था नहीं है बल्कि जल निकासी के लिए कोई प्लान के अंतर्गत भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें जेई जो विनिमित क्षेत्र के हैं उनको आज बताया गया है कि जितने भी इस प्रकार की अवैध नींव बनी गई हैं उनको सबको ध्वस्त करवाएं और नियमानुसार नक्शा पास करवाने के बाद भी किसी प्रकार का निर्माण होने दें। कहीं पर भी अगर कोई नया विकास होता है, नए लोग घर बनाते हैं, तो वहाँ पर जल भराव की समस्या तभी आती है जब वहाँ की प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था वहाँ का प्लॉटर नहीं करवाता है, और वही यहाँ पर भी हो रहा है। इसके लिए मैंने SDM साहब को भी निर्देशित किया है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऐसी सरकारी ज़मीन ढूंढें या फिर यहाँ के जो प्लॉटर हैं उन्हीं से जो लैंड पूल उनको छोड़ना है उसके अंतर्गत कुछ ज़मीन प्राप्त करके वो रखें, ताकि यहाँ पर नगर पालिका के माध्यम से या किसी अन्य निधि के माध्यम से हम लोग पंपिंग सेट्स बनवा सकें जिससे जो जल भराव की स्थिति होती है उसको खत्म किया जाए।